राजस्थान विधानसभा चुनावों के नतीजे घोषित हो चुके हैं। 5 साल की सत्ता परिवर्तन की परंपरा के अनुसार बीजेपी के सिर जीत का सेहरा चढ़ चुका है, लेकिन इस चुनाव में एक और बात दिलचस्प रही कि एक बाहरी बीजेपी प्रत्याशी ने गहलोत सरकार में मंत्री रही जाहिदा खान को हरा दिया, जिसको लेकर अब वो चर्चा में बनी हुई है। हरियाणा के नू की रहने वाली नौक्षम चौधरी ने भरतपुर जिले की कामा विधानसभा सीट से भाजपा के टिकट पर जीत हासिल की है। नौक्षम चौधरी को 78,646 वोट मिले, जिससे न सिर्फ उन्होंने मंत्री रही जाहिदा खान को हराया, बल्कि उस क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी मुख्तियार अहमद को भी हरा दिया। नतीजों में दूसरे नंबर पर निर्दलीय प्रत्याशी मुख्तियार रहे, बल्कि तीसरे स्थान पर जाहिदा खान रही। बता दें कि कामा विधानसभा क्षेत्र मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। नौक्षम चौधरी हरियाणा से यहां जब चुनाव लड़ने आई, तब उन पर बाहरी प्रत्याशी होने का ठप्पा लगा था। वहीं मंत्री रही जाहिदा खान के खिलाफ उनके समुदाय के लोगों में नाराजगी थी, जिसको लेकर मुस्लिम समुदाय ने अपना निर्दलीय प्रत्याशी उतारा था, जिससे जाहिदा खान को हराया जा सके। लेकिन कहते हैं ना, जो नसीब में हो उसे मिलने से कोई नहीं रोक सकता। वही सीट पर हुआ, जाहिदा और निर्दलीय प्रत्याशी को लेकर मुस्लिम वोट आपस में बट गए, जिसका फायदा नक्षम चौधरी को मिल गया। उन्होंने करीब 13,000 वोटों से जीत दर्ज कर ली। विधानसभा के सभी हमारे सम्मानित साथियों का, सभी वोटर्स का, आम जनता का, आवाम का, बुजुर्गों का, भाजपा के कार्यकर्ताओं का, सभी का। आप क्षेत्र में प्राथमिकता क्या होंगी? शिक्षा, बिजली, सड़क, पानी, भ्रष्टाचार, शासन मुक्त, ये मेन मुद्दे। संदेश जनता को? जनता को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, और इतनी दुआओं और आशीर्वाद से नवाजने के लिए आपकी बड़ी आभारी। आपको बता दें कि 2019 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने नौक्षम चौधरी को पुनहाना सीट से टिकट देकर प्रत्याशी बनाया था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन आखिरकार राजस्थान विधानसभा चुनाव में उनकी किस्मत खुल ही गई।